अब घर बैठे तैयारी कीजिए सरकारी नौकरी की, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, अभी अपने YouTube पर सर्च कीजिए गतिमान एकेडमी सागर को और बनाइए अपने आने वाले कल को और भी बेहतर, वो भी SSC में चयनित अरविंद लोधी सर के साथ। MP में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहां कोरोना के मामले 38,000 के पार जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 977 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। MP के बुंदेलखंड में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। दमोह में लगातार दो दिन से कोरोना का ब्लास्ट देखने को मिल रहा है। सागर में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं आज फिर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से 8 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसमें 2 सेना के जवान सहित 1 बालक भी शामिल है, जिसमें 59 वर्षीय वृद्ध महिला कोतवाली सागर से, 39 वर्षीय सेना का जवान कैंट से, 35 वर्षीय सेना का जवान कैंट से, वहीं 60 वर्षीय वृद्ध महिला गोपालगंज सागर से, 55 वर्षीय वृद्ध मकरोनिया से, वहीं बागराज वार्ड से 13 वर्षीय बालक भी कोरोना की चपेट में आया है, 30 वर्षीय पुरुष मकरोनिया से, तो जिला अस्पताल से 52 वर्षीय पुरुष कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आया है। इस तरह सागर में टोटल मरीजों की संख्या 791 पर पहुँच गई है। वहीं आज 1 की मौत होना भी बताई जा रही है। आज दिनांक 9/8/2020 को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब एवं अन्य लैबों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इसमें सागर से 8 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। पहली जो है 69 वर्षीय महिला, ये कोतवाली निवासी है। दूसरे 39 वर्षीय पुरुष, ये कैंट निवासी। तीसरे 35 वर्षीय पुरुष, ये भी कैंट निवासी। दोनों का सेना अस्पताल में इलाज चल रहा है। चौथे जो है 60 वर्षीय महिला, गोपालगंज निवासी है। पांचवे जो है 55 वर्षीय पुरुष, ये मकरोनिया निवासी है। छठवे जो है 13 वर्षीय बालक है, बागराज वार्ड निवासी है। सातवें जो है 30 वर्षीय पुरुष, ये भी मकरोनिया निवासी है। और आठवें जो है 52 वर्षीय पुरुष, ये जिला चिकित्सालय में कर्मचारी है। तो इस तरह 8 लोग आज पॉजिटिव आए हैं और 6 लोग पूरी तरह स्वस्थ होकर आज डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, जिनका कोरोना का BMC में इलाज चल रहा था। इसके अलावा एक दुखद खबर भी है कि दमोह जिले के एक जो वृद्ध थे जिनका यहाँ इलाज चल रहा था, आज उनकी मृत्यु भी हो गई है। तो इसलिए सावधानी बनाए रखें। एक बार फिर सबसे अपील करता हूँ और सबका सहयोग करें, प्रशासन का, BMC का। कोई भी तकलीफ आती है तो अधिकारियों से संपर्क करके आप शिकायत कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। आज का यही अपडेट है। बहरहाल कोरोना लगातार प्रदेश और शहर में अपने पैर पसार रहा है। सावधान रहें, सतर्क रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, सड़कों पर निकलने से पहले फेस मास्क का उपयोग जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।